पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा आपके दीवाने हैं। बड़े लोगों के यार बड़े बड़े हैं। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रफी साहब और अमित कुमार जी के टोटल डुएट सॉन्ग के लिस्ट। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमित कुमार जी का क्या कहना है रफ़ी साहब के बारे में। और रफ़ी साहब के बारे में मैं बहुत छोटा उनके सामने, मैं मतलब कि एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी। मैंने मतलब मेरे मैं जब से गाना शुरू किया मैंने उनके साथ कम से कम 8-9 डुएट्स गाए हैं। दिस इज विच आई फील वेरी प्राउड, मैंने गाए हैं उसमें। उनमें 2-3 डुएट्स तो उनके साथ हैं और प्यारे भाई शायद याद नहीं है, आपने भी गवाए थे। एंड वन इंसिडेंट आई वुड लाइक टू शेयर। एक दफ़ा मैं एक महबूब स्टूडियो में मुझे हम लोग दोनों गा रहे थे, तो मेरे ख्याल से सोनी कोमी जी का रिकॉर्डिंग था, आई डोंट रिमेम्बर। तो मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी और मैं नीचे आफ्टर रिकॉर्डिंग मैं नीचे खड़ा था, तो रफ़ी साहब नीचे उतरे, मुझे देखा, बोले बेटा क्या कर रहे हो। बोले मैं आई एम जस्ट स्टैंडिंग, गाड़ी पंचर हो गई रफ़ी साहब। बोले बैठो मेरे गाड़ी में बैठो। बोले क्यों क्यों अब बैठो, मैं छोड़ दूंगा। तो मतलब आप तो बैंड्रा में रहते हो, मैं रहता हूँ जू में, कोई बात नहीं बैठो। बोले सो स्वीट ऑफ हिम ही ड्रॉप्ड मी, मुझे घर छोड़े। मैंने आप अंदर आइए ना तो मेरे जो वालिद साहब हैं मुझे मारेंगे। बोले नहीं मैं अभी नहीं आऊँगा। वो हैं क्या? बोला हैं। बोले मैं फ़ोन से बात करूँगा। So this incident I will never forget. Such a great man, he dropped me home. And aur ek incident jab main gana shuru kiya tha, un dino Calcutta mein main shows bahut karta tha, 70s 71 ki baat kar raha hu. To ek show mein damdam mein in locality of Calcutta I was performing on the stage un dino, aur mere baad the main star was Mohammad Rafi sahab. और मैं गा रहा था, पिताजी का गाना गा रहा था, उसके पहले शायद बहुत उछल कूद टाइप का कुछ गाना गाया था। तो फिर मैंने पिताजी का वो दुखी मन मेरे आई वॉज सिंग, आई स्टिल रिमेंबर, आई सैंग, मे बी आई सैंग ओके। तो रफ़ी साहब ही वॉज सिटिंग इन द विंग्स एंड वॉचिंग मी। और उसके बाद मैं जब आया तो मुझे ऐसा पकड़ के उन्होंने प्यार किया और कहा कि बेटा इतना अच्छा गाया तुमने, इतना अच्छा गाया। मैं ये दो इंसिडेंट कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। I will never forget. For me, Mohammad Rafi was an institution, and with my father, they were the best of friends. सबसे पहले 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथोनी, इसमें एक गाने हैं पर्दा है पर्दा। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। ये है अमित कुमार जी के बोल। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। फिर 1978 में आई फिल्म गंगा की सौगंध, इसमें एक गाने हैं देखो सपने सजने लगे। देखो सपने सजे, ताशी बजे। ये है रफी साहब के बोल। हम बरसों तरसे, तब रंग बरसे। ये है अमित कुमार जी के बोल। मेहंदी रचा के दुल्हन बना के ले जाऊंगा मैं। फिर 1978 में आई फिल्म फंदेबाज, इसमें एक गाने हैं बड़े बड़े लोगों के यार। बड़े बड़े लोगों के यार बड़े बड़े हैं राज। ये है अमित कुमार जी के बोल। बड़े बड़े लोगों के यार बड़े बड़े हैं राज। फिर 1979 में आई फिल्म पहरेदार, इसमें एक गाने हैं रुक जरा ए जाने वालों। रुक जाओ अरे जाने वालों, दिल तोड़ के जाना ठीक नहीं। ये है अमित कुमार जी के बोल। माना के खजाना खुशियों का यारों से छुपाना ठीक नहीं। फिर 1979 में आई फिल्म दिल का हीरा, इसमें एक गाने हैं जिंदगी का यूं। ये है अमित कुमार जी के बोल।
बस मजा जीने का सुबह शाम आना चाहिए। ये है रफी साहब के बोल। अपने लब पे अपनी ही तारीफ हो तो क्या मजा। फिर 1980 में फिल्म आपके दीवाने, इसमें तीन गाने हैं। पहले गाने हम तो आपके दीवाने, हम तो आपके दीवाने हैं। ये है रफी साहब के बोल। बड़े मस्ताने हैं आहा, ओहो। अगले गाने राम करे अल्लाह करे, राम करे अल्लाह करे। फिर अगले गाने अपनी खुशियां तुझको दे दूं, अपनी खुशियां तुझको दे दूं। ये है अमित कुमार जी के बोल। मर जाऊं मैं तेरी खातिर। फिर 1980 में फिल्म नियत, इसमें एक गाने हैं, ओ मेरे यार। मेरे यार ये दिन हो मुबारक तुझे। ये है अमित कुमार जी के बोल। मैं तो पहले ही कहता था एक दिन रंग दिखाऊंगा। फिर 1980 में फिल्म खून की टक्कर, इसमें ये गाने हैं, हम दो शरीफ लाए हैं। हम दो शरीफ लाए तशरीफ, हम दोनों की ये तारीफ। ये है रफी साहब के बोल। हमें ये है अमित कुमार जी के बोल। हर समय की गाड़ी वक्त का पहिया चलता था हमारे। फिर 1980 में आई फिल्म बुलंदी, इसमें एक गाने हैं, अब रात हो गई जवान। अब रात हो गई जवान के सुन कमर तक ढले। ये है रफी साहब के बोल। शुक्रिया मेरे प्यारो, अब सुनो ये बयान। फिर 1981 में आई फिल्म गहरा जख्म, इसमें ये गाने हैं, चाल में माल लेके आया हूँ। चाल में माल लेके आया है। ये है अमित कुमार जी के बोल। अरे सपनों को सच करके लाया है। ये है रफी साहब के बोल। लेकिन वादा भी मैंने किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।